बीच में बंद कर देना, देख कर रुक जाता है। गजब, एकदम धड़धड़ आ जाते हैं आजकल। करने दो, जो लोग ज्वाइन हो गए वो आंसर भी करते चलो बेटा, जो ज्वाइन हो गए वो आंसर भी करते चलो, थोड़ा सा उनको टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम नहीं दिखता है। अच्छा ठीक है, काफी लोग आ गए, काफी लोग आ गए। चलो चलो, बढ़िया है, करो फटाफट आंसर करो। मैंने बढ़िया इसलिए किया कि आंसर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मानसी का गलत हो गया बेटा। वैशाली, मैंने आंसर जल्दी जल्दी कर दिया उसके लिए बढ़िया बोला था, गलत हो गया बेटा। इसमें यहाँ पे ये नीचे के तीनों पौधे बेटा, ए है इसका आंसर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों पौधे हैं, ये पपीता भी उभयलिंगाश्री है, लेकिन क्या चीज हो रही है, वो एक ही चीज रहती है कभी भी उसमें, एक ही तरह का पपीता देखो, एक ही तरह का रहता है, बाकी जो पैदा हो रहे हैं वो एक तरह से हो जा रहे हैं ना, जो पपीता है उस पर एक ही लगता है, ये कुकरबिट्स उभयलिंगी आश्री और उभयलिंगी आश्री है, जब वो दोनों चीजें उसमें सामान्य अवस्था में बोला, पपीता में असामान्य अवस्था में ऐसी चीज होती है, नहीं तो पपीता एक लिंगी आश्री पौधा है ना। ठीक है चलो अगला, ये सुन रहे, ये वाला तो किसके गलत हुआ ना बेटा, तो मैंने यहाँ से हथौड़ा फेंक के मार देना है, ये अगर गलत हुआ तो मैं हथौड़ा फेंक के मारूंगा, यहां से बता रहा हूं। बताओ जल्दी से, अब कौन सा भाग क्या है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली बोला था, ये गलत किया ना तो सोच ही लेना। थॉर मूवी देखी है ना सबने, उसका हथौड़ा उसके पास से जाता भी है और पास में आ भी जाता है, वैसे ही किस्सा हो जाएगा यहाँ तो। किसका है, कविता नैना दीपा यासिका, चलो जल्दी 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 जल्दी, बस गलत भर निकल जाए फिर देखना तुम लोग। आंचल, वसुंधरा, सारजा, स्वाति, सोच लेना बेटा, किसी का गलत निकला था, मानसी का सही है बेटा, बच गई मानसी तो बच गई है। निशा, और भी लोग बचे हैं भाई, अभी एक दो लोग और बच गए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। चलो ठीक है, ठीक है, सबका सही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बी है ना, बताया था एंटीबोडल सेल थी, यहाँ पे एक था सिनर्जाइड सेल थी है ना, और यहाँ पे तरकुज समुच्चय हो जा रहा था। ठीक है चलो, पराग-कण की खालिस्तान कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। निशा, निशा ने तो ऊपर भी आंसर कर दिया था बेटा। चलो, कौन सी कोशिका विभाजित होकर नर युग्मक बनाती है, जल्दी से, ये भी बहुत जल्दी से बेटा, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, करो फटाफट। कविता, निकिता, दीपा, सारजा, वैशाली, निशा, नीतू त्रिवेणी, अरे बहुत ही बढ़िया, वैशाली।
आ जा इधर आ जा। नैना वैशाली। वे दो तरह की कोशिकाएं थी भाई, एक वेजिटेटिव थी और एक जनरेटिव थी। तो जनरेटिव न्यूक्लियस विभाजित तो होकर मेल स्पर्म बना रहा था भाई। बी आंसर है यार, बी आंसर है। अरे सही में ना तुम लोग मार काटने वाले हो। चलो अगला बताओ। परागनली की भ्रूणकोश की ओर वृद्धि किसके कारण होती है? मानसी का संहिता बेटा। हाँ हो गया क्वेश्चन, सबको 69 नंबर का दिख रहा है ना। चलो बताओ फटाफट, किसके कारण परागनली भ्रूणकोश की ओर जाती है? किसके कारण? जल्दी जल्दी बेटा, अभी और 30 बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है, करो आंसर करो और भी लोग। मानसिक सही है, आशीष गायब हो गया अभी। चलो ठीक है, सारे लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सारे लोगों का सही है ना। ठीक है, रसायन वर्ती रहती है, बताया था केमिकल्स रहता है वहां पे, है ना। ठीक है चलो अगला। जायांग का वह भाग जो पराग को अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है। प्रतिभा का भी सही है बेटा, पिछला वाला। इसका तो फट से बेटा, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम। कहां पर परागकण को अनुकूलित वातावरण मिल जाता है? जल्दी जल्दी, एक दो दो ही लोगों के आंसर आए हैं, 3। आशीष का भी आ गया, चलो आशीष का भी सही है, प्रतिभा का भी सही है। बाकी जितने नाम आ रहे हैं आने दो, अभी तो पता नहीं क्या है। मानसी का सही है, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है सारे लोगों के सही है ना, वर्ती का आग्रह। ठीक है चलो अगला है। नीचे उन घटनाओं को दिया है जो कृत्रिम संकरण, मतलब हम कृत्रिम संकरण करते हैं तो हमको क्या स्टेप लेना है, मतलब हम किस क्रम में करते हैं कृत्रिम संकरण की। यहाँ पे कुछ स्टेप दी हुई है, इसमें बताना है कि हम कौन सी चीज कब करते हैं। पहले पहले क्या कर रहे हैं, दूसरी पे क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं, चौथे पे क्या कर रहे हैं, उस चीज का सिक्वेंस यहाँ पे जमाना है। ठीक है जल्दी से करो इसका भी आंसर। ठीक है, थोड़ा सा सोच सकते हो। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। पर कृत्रिम संकरण के लिए हम क्या करते हैं? पहला पॉइंट पर बता दो, तो पहला पॉइंट देख लो सब लोग, तो उसी से समझ आ जाएगा कि मतलब पहला सही स्टेप चुन लो। जल्दी आंसर करो। नीसा कविता, नीतू, दीपा, त्रिवेणी, वसुंधरा। जल्दी जल्दी बेटा, आशीष। आशीष गलत हो गया बेटा। यासिका, वैशाली, सारजा, निकिता, स्वाति, नैना। ठीक है, काफी लोगों का गलत हुआ है बेटा। बी एस का आंसर, मानसी का सही हो गया है ना, बी एस का आंसर। तो क्या चीज हो रही है, हमको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, जनक चाहिए है ना। जनक के बाद में हम क्या कर रहे हैं, नर जनक से परागकणों को एकत्रित कर ले रहे हैं ना। उसके बाद में हम बैगिंग कर रहे हैं है ना। नहीं, पहले विपुंसन, वो उसके पराग कोशों को क्या किया, हटा दिया। उसके बाद में क्या चीज करी हमने, उसकी बैगिंग कर दी है ना। फिर सारे परागकण बैग कर दिया, उसमें सारे परागकण आके जमा होने लग जाएंगे। फिर उनको हम क्या कर देंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर में छिड़क देंगे। और जब छिड़क देंगे फिर वापस से क्या करेंगे, हम उस वर्तिकाग्र को भी बैगिंग कर देंगे ताकि दूसरा कोई परागकण ना आ जाए। ठीक है, बी आंसर बेटा, बी। चलो, परागकोश की भित्ति 4 भित्तीय स्तरों की बनी होती है, जहां पर क्या होता है?
कोश की चार भित्तीय स्तर की बनी होती है, जहां चार भित्तीय स्तर कहां हो जाता है? चार भित्ति वाला स्तर कहाँ होता है? निकिता का आया है शायद अभी का आंसर, यासिका आशीष, आशीष का भी सही है। ना त्रिवेणी, दीपा, नीतू, वसुंधरा, निशा, वैशाली, मानसी का भी सही है, स्वाति, आंचल, शारजा। ठीक है बेटा, ठीक है, सबका सही है ना। मध्य स्तर जो एपिडर्मिस और टैपिटम के बीच में होता है ना, बी आंसर है बेटा इसका, बी आंसर है। चलो अगला, पराग कोष की सबसे अंदर की परत टैपिटम, जिसका कार्य है, फट से बेटा फट से फट से, इसको तो भैया 5 सेकंड, बस 5 सेकंड वालों को भर काउंट कर लेंगे कि उनका सही है। ठीक है, टैपिटम का कार्य बताना। नीतू, 5 4 3 2 1। वैसे काफी लोगों के आ गया बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है, सबका सही है। वैसे काफी लोगों के एक साथ आ गए थे इसलिए फिर नाम लेना रोक दिया है ना। चलो, पोषण, इस पोषण का, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है ना। चलो अगला, बीजांड वृंत के आधार पर परिपक्व बीजांड को वर्गीकृत किया गया है। हमने बताया था बीजांडों के प्रकार बताए थे है ना, तो यहाँ पे बीजांड के प्रकार बताना है, वो वाला प्रकार बताना है। बीजांड द्वार बीजांड वृंत के पास में होता है, मतलब माइक्रोपाइल छिद्र जब फ्यूनिकल के पास में आ जाता है तो वो किस प्रकार का हो जाता है? फटाफट, जब फ्यूनिकल के पास में बीजांड द्वार घूम जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एबीसी की जगह वर्ड भी लिख सकते हो है ना, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो नाम लिख दो उस बीजांड का जिसको जैसे पता है ना। नीतू का आया, दीपक का आया, फटाफट। मानसी, और प्रतिभा का भी आया है, निकिता का आया है। ठीक है, यहाँ पर ये तो नहीं पता कि हिंदी वाला कौन सा, लेकिन एनाट्रोपस वाले सही है ना। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस है ना, एनाट्रोपस होता है बेटा। ठीक है, एनाट्रोपस प्रकार का होता है वो, बी है ना। अच्छा, बी मतलब प्रतापी, एनाट्रोपस होता है ना, एनाट्रोपस। चलो अगला, अब बीजांड द्वार निभाग वो नाभि का एक सीधी रेखा में होता है, जब तीनों चीज एक सीधी लाइन में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जब वो तीनों एक लाइन में होते हैं तो क्या कहलाते हैं इनमें से? क्या कहलाते हैं जब तीनों एक लाइन में हो जाते हैं तो? ठीक है, निकिता, यासिका, निशा, स्वाति, वैशाली, नैना। और ठीक है, यहाँ पे आंसर कुछ लोगों ने लिख के किया है, कुछ लोगों ने ऐसे किया है, तो बेटा इसका है ऑर्थोट्रोपस कहलाते हैं ना, ऑर्थोट्रोपस कहलाते हैं ना, इसका आंसर क्या है? हाँ ठीक है, ये ऋजुवर्ती है ना, ऑर्थोट्रोपस कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगला, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री पौधा का मादा युग्मकोद्भिद निषेचन के समय कैसा होता है? मादा युग्मकोद्भिद निषेचन के समय कैसे होता है? निषेचन के समय कैसे होता है? कल ही बताया था बेटा, कल ही बताया था, जल्दी से इसका आंसर करो, कैसे होता है?
आठ कोसी होता है, सात कोसी है, छह कोसी है, पांच कोसी है, दो आंसर तो ये सीधे ही हटा दो बेटा, इन पे तो देखना ही मन नहीं है ना। इधर ऊपर वाले ही देखो अब। नैना गाया है नीतू त्रिवेणी कविता, आशीष, आशीष गलत हो गया बेटा, यासिका नीसा प्रतिभा गलत हो गया, प्रतिभा का भी, वैशाली मानसी, मानसी का भी गलत हो गया, स्वाति बेटा उनने निषेचन के समय बोल दिया है, निषेचन के समय तो निषेचन, प्रतिभा अब सही आंसर किया है, वसुंधरा का भी आ गया, स्वाति निषेचन के समय बेटा, निषेचन के समय वो सात कोशिकीय हो जाता है, जो पोलर न्यूक्लियस थे वो काय में बदल जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं ना, जब परागकण आके अंकुरित होने वाला रहता है तब वो परिवर्तित होना चालू हो जाता है, और जैसी पराग नली निर्माण होने लगी वैसे ही वो तब तक सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाता है। हाँ तो सात कोशिका हो जाती है लेकिन आठ केंद्रक होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, काफी लोगों के नाम ऊपर भी चले गए पर काफी लोगों ने सही आंसर किया है बेटा, ठीक है। सही किया, ए है बेटा, है ना, ए है इसका आंसर, सबसे ऊंचा पुष्प एमार्फोफेल्स है ना, फिर प्रोन्यूबियंथ मॉन्थ युक्का है ना, वायु परागण, वायु परागण की वायु परा एक सेकेंड, एक मिनट, मानसी, वायु परागण साल्विया, और कीट परागण नहीं, वायु परागण किसमें हो रहा है यहाँ पे, मक्का में, वो बहुत सारे वर्तिकाग्र वगैरह निकले हुए रहते हैं बाहर के साइड में निकल जाते हैं ना, और कीट परागण किसके अंदर में हो जा रहा है यहाँ पे, साल्विया में, ठीक है ठीक है, ए था। चलो अगला, भ्रूण कोष का पॉली पॉलीगोनम प्रकार होता है, मतलब भ्रूण कोष कैसा होता है, भ्रूण कोष कैसा होता है, ये दोनों देखो, भ्रूण कोष की संरचना बोली है तो भ्रूण और भ्रूण कोष सब उसी में आ जाता है, तो वो बोल रहा है कि पॉलीगोनियम प्रकार होता है, कैसा होता है, फटाक से, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो बेटा। कविता, यासिका, त्रिवेणी, वसुंधरा, प्रतिभा का सही है, नीतू, निकिता, सारजा, आशीष, आशीष का भी सही है, वैशाली, मानसी का भी सही है, नीसा, और बस इतनी लोगों से बन रहा है ये, ठीक है, काफी लोगों का सही है, आठ केंद्रक होते हैं और सात कोशिकाएं होती है ना, ठीक है ठीक है। चलो अगला, परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के बीच एक गलत क्रम जोड़ा हुआ है, उस गलत क्रम को बताना है कि गलत कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। स्वाति, नीतू, कविता, बेटा गलत क्रम बोला है उसने, आशीष, आशीष का सही है, निकिता शारजा वैशाली, मानसी का भी सही है, वसुंधरा, ये भाई यहाँ क्लियर, वायु परागण है मतलब वायु के द्वारा, जल परागण जल के द्वारा, पक्षी परागण के द्वारा हो रहा है, और ये पक्षी के द्वारा हो रहा है, और ये चमगादड़ कीट है क्या, चमगादड़ कीट है क्या बेटा, स्तनी है ना वो, मैमल्स है, ये गलत हो गया ना, डी डी आंसर है। चलो अब यहाँ पे परागण के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, और यहाँ पे तीन प्रकार थे है ना, एक पर परागण था, स्व परागण थे, स्व परागण में दो प्रकार थे, तो अब यहाँ पे बताओ कौन सा, इस एक को तो क्लियरली समझ जाओ बेटा कि ये क्या था है ना, ये क्या है, और यहाँ पर अब बचे ये दो को भर सेलेक्ट करना है, दो को भर सेलेक्ट करना है, जल्दी से करो।
अभी कुछ देर पहले भी ये चीज आई थी, अगर वो वाला याद हो तो यहाँ पे सही बन जाएगा। किसने आंसर किया? नैना, आंचल, यासिका, नीतू, कविता, प्रतिभा। प्रतिभा का गलत हो गया। वसुंधरा, निकिता। जल्दी जल्दी बेटा, नैना शारजा। प्राइवेट में दे रहे, प्राइवेट में मुखबर दिख रहा है। प्रतिभा, अब ठीक है। आंचल और मानसी, आशीष कहाँ गए? इसका आंसर करो बेटा। चलो ठीक है, सी है बेटा, इसका आंसर सी है। सी पे क्या है? ऑटोगेमी, जो पहला P1, ये ऑटो खुद ही एक ही पुष्प है उसी से जा रहा है ना। उसके बाद में क्या है? जीटेनोगेमी, एक पुष्प से निकल के दूसरे पे जा रहा है लेकिन पौधा एक ही है। सही है मानसी का भी, है ना। और यहाँ पे जीनोगेमी, एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले गया, एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले गए। ठीक है, ठीक है, सी सही है। चलो अगला, 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक विभाजन की आवश्यकता होती है? कितने विभाजनों की आवश्यकता रहेगी? कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए 100 पराग कण के लिए? जल्दी से, मानसी ने अभी किया है, नहीं पुराना है। नीतू, कविता, वसुंधरा, त्रिवेणी, शारजा, निकिता, वैशाली, नैना, यासिका। यासिका ने भी ऊपर भी किया था, नहीं किया। और स्वाति, प्रतिभा का सही है, ठीक है। आंचल, मानसी का भी सही हो गया बेटा, और आशीष का भी सही हो गया। ठीक है, सारे लोगों के सही है बेटा, सी है ना। 25 विभाजन, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन पे कितनी बन रही थी? 4 कोशिकाएं बन जा रही थी, है ना। ठीक है, सबका सही है। चलो अगला, 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री, ये फिर से आ गया ना, अच्छा हाँ अलग है बेटा, ठीक है। 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बोला है, वो क्या था? नर था, है ना, नर युग्मक के लिए था, मेल गैमिट। अब यहाँ पे फीमेल गैमिट के लिए है बेटा, फीमेल गैमिट के लिए, मतलब वो अभी हमने पराकण बता दी, अब बीजांड बता, बीजांड के निर्माण के लिए कितने चाहिए? बीजांड के निर्माण के लिए कितने चाहिए? कविता, नीतू, त्रिवेणी, नैना, शारजा। जल्दी जल्दी बेटा, आशीष, आशीष का सही है, ठीक है, बढ़िया। निकिता, वसुंधरा, आंचल, यासिका, वैशाली, प्रतिभा, हाँ ठीक है, स्वाति और मानसी, हाँ ठीक है, मानसी का भी सही है। ठीक है बेटा, लगभग सारे लोगों का सही है, ए आंसर है बेटा उसमें, 100, है ना, क्योंकि डीजनरेटिव सेल बन जा रही थी 3, और एक सेल क्या बन रही थी उसमें? फंक्शनल सेल बन रही थी। आता हूँ थोड़ी देर। चलो अगला, निम्न में से कौन सा कथन स्पोरोपोलिनिन के लिए गलत है? स्पोरोपोलिनिन के लिए गलत कौन सा है बेटा? जल्दी से, एकदम जल्दी से, ये तो बहुत ही जल्दी कर दो, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बोला था और बहुत यूनिवर्सल चीज थी, है ना, कविता का आया, है ना। आशीष का सही है बेटा, निकिता, प्रतिभा, नैना, शारजा, त्रिवेणी, स्वाति, वसुंधरा, यासिका, वैशाली, और चलो ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का लगभग सारे का ही सही है, किसी का ही गलत नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, सी एस का आंसर है ना। बाह्य चोल में जनन छिद्र, जबकि जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं हो रहा था वहां से जनन छिद्र था, है ना, वहां से पोलन ट्यूब का विकास हो रहा था। चलो अगला, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट फट से बेटा, इसका तो बिल्कुल जल्दी से कर दो, 5 सेकंड वाला टाइम काउंट करेंगे इसके लिए, ठीक है। नीतू का आ गया, नैना का आ गया, और आंचल, कविता, ठीक, बहुत सारे नाम आ गए, लगभग सारे ही लोगों के आ गए हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, सही है, पोलिनोलॉजी कहलाता है ना, ठीक है, मानसी का भी सही है, सबका सही है बेटा। चलो अगला, दिए गए चित्र में ABCD दिया हुआ है, वो बताना है ना कि ABCD
कौन सा वाला भाग कौन सा है, चलो फटाफट करो फटाफट करो, जल्दी से देखो, और इसको भी 5 सेकंड के लायक कहिए, ये भी फटाक से कर दो। जल्दी, मानसी मानसी का आया सही है। जल्दी से करो बेटा जल्दी, नहीं मानसी ये पुराना आंसर है ना मानसी का, हाँ पुराना है, नया नहीं आया, नया किसी ने नहीं दिया, जल्दी से दो। उल्टे सीधे में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम तो उल्टा हो सीधा हो आड़ा हो तिरछा हो, डायग्राम वो संरचना संरचना ही रहना है ना। बहुत ही बढ़िया बेटा, चलो और आंसर करो फटाफट करो। आशीष का गलत है, प्रतिभा का भी गलत है, यासिका, सारजा, कविता, निकिता, त्रिवेणी, नैना, नीतू, मानसी का भी गलत है, स्वाति, निकिता। बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा उठा खुद के सर पे मार लो इस बार बेटा, डी आंसर है, डी आंसर है, दो ही लोगों का सही हुआ बेटा, ये एक थोड़ी है हा? जिसने सी आंसर करे तो सी, यहाँ पे ये एग एग कहाँ दिया हुआ है, बी बी की जगह पे ये एग थोड़ी है, ये तो अध्यावरण वाला स्पेस है, डी है बेटा इसका आंसर, डी है, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल छिद्र है, उसके बाद में बीज बी पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बीजांड का हो जा रहा है ना यहाँ पे, उसके बाद ये जो संरचना सी है ये भ्रूण कोष था और ये चालीसा था, डी आंसर है। चलो अगला, गुरु बीजाणुधानी के कोष उसके सुरक्षात्मक आवरण सहित क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी को उसके सुरक्षात्मक आवरण सहित क्या कहते हैं, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या कहते हैं जब उसमें सुरक्षात्मक आवरण भी उपस्थित होता है, इंटीग्रल लेयर जब उपस्थित होती है तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल लेयर जब उपस्थित होती है, ठीक है, काफी लोगों के आए हैं, आंचल, निकिता, स्वाति, मानसी मानसी, गलत हो गया, अरे ऊपर नाम चले गए काफी लोगों के, प्रतिभा, नीतू, आशीष, आशीष का सही है, नैना, स्वाति, मानसी, ठीक है मानसी का अब सही है, ठीक है बेटा ठीक है, बीजांड कहलाता है ना, बी बेटा बी, बीजांड कहलाता है, अध्यावरण जिसमें रहते हैं ना, इंटीग्रमेंट लेयर है ना, ठीक है, आंचल का भी सही है। चलो, नर युग्मक में एक नर युग्मक में से एक के साथ अंडकोशिका संलयन होता है, क्या कहलाता है एक का संलयन होना, एक मेल युग्मक से संलयित होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी प्रतिभा, ठीक है सही है, निकिता, निकिता, नैना, त्रिवेणी, नीतू, यासिका, और बताओ बेटा जल्दी जल्दी, आंचल, वैशाली, और आशीष का भी सही है, मानसी का भी सही है, हाँ बढ़िया बेटा ठीक है ठीक है, सबके सही आए हैं, सबके आंसर सही, जननात्मक निषेचन भी कहलाता है, और जब दो चीजें मिल रही तो हम उसको संलयन भी बोलते हैं ना, तो ए और बी वाला दोनों, मतलब डी आंसर इसका सही है बेटा, है ना, डी आंसर है इसका। चलो अगला, दोहरे निषेचन की खोज, जल्दी से बेटा 5 सेकंड बस, 5 सेकंड, 5 में सबके आ जाना चाहिए, 5 सेकंड वाले को काउंट करेंगे हम, 5 सेकंड वाले को, जल्दी जल्दी बिल्कुल जल्दी। सारजा, नीतू, नैना, निकिता, वैशाली, प्रतिभा, त्रिवेणी, आशीष, ठीक है ठीक है, सारे लोगों के नाम आ गए, ठीक है बेटा, सब बताने की जरूरत ही नहीं है ना, निवास चिन्ह, निवास चिन्ह ने करी थी है ना, सभी का सही था। चलो अब यहाँ पे ये भ्रूण पोष दिए हुए है, भ्रूण पोष दिए हुए है, यहाँ पे प्रकार बताना है, और वो बोल रहा है कि एक्स वाला भ्रूण जो है, एक्स क्या चीज को दर्शा रहा है यहाँ पर, एक्स क्या दर्शा रहा है, एक्स क्या दर्शा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, और
ठीक है, सारी लोगों के लगभग लगभग नाम आ गए। मानसी का भी सही है बेटा, प्रतिभा का भी सही है। हाँ ठीक है, काफी लोगों के नाम एक साथ आ गए, है ना। ठीक है, बी बेटा है ना, केंद्रकीय भ्रूण पोष को दर्शाता है। केंद्रकीय भ्रूण पोष को दर्शाता है। चलो अगले पे आओ। यदि भ्रूण पोष की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होंगी। यदि भ्रूण पोष बोल रहा है वो 24 है तो युग्मकों की कितनी थी, युग्मकों की कितनी होती है। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। नहीं आया अभी तक किसी का आंसर। भ्रूण पोष में 24 है गुणसूत्र। आशीष का गलत हो गया बेटा, फटाक से करो। मानसी का भी गलत है, त्रिवेणी और भी लोग करो आंसर फटाफट बेटा। वसुंधरा का आया था ऊपर, शायद वैशाली का आया था, हाँ शारजा का आया था। वसुंधरा का आया नैना, कविता, आशीष मानसिक दोनों का गलत है, प्रतिभा का भी गलत है, वैशाली, यासिका, स्वाति और करो बेटा आंसर फटाफट करो। किसी का भी सही नहीं हुआ है बेटा, किसी का भी सही नहीं हुआ है। चलो एक ऑप्शन दिया, फट से होकर भाई भ्रूण पोष बोला यार, भ्रूण पोष कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित। मानसी का फिर भी गलत हो गया, भ्रूण कोष बेटा त्रिगुणित संरचना रहती है ना। तो उसने बोला युग्मक के अंदर में, तो युग्मक का 3 गुना कौन हो रहा है, जब 8 है तभी 8 का 3 गुना 24 हो रहा है ना। और एक कल आंसर क्वेश्चन पूछा था उसमें बेटा पॉली कुछ बोल दिया था ना, पॉलीप्लाइडी बोल दिया था ना, पॉलीप्लाइडी क्या होती है, तो द्विगुणित होता है पॉलीप्लाइडी मतलब, है ना। तो उसका कल आंसर कितना, 14 था या 28 था, है ना, ऐसे कुछ था। ठीक है, 8 है बेटा, है ना, 8 कोशिका भ्रूण कोष बोला है, इसलिए बोला था द्विगुणित त्रिगुणित संरचना हमको याद रखनी है। ठीक है चलो, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पितामह कौन है, भारतीय इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के कौन है। फटाफट फटाफट फटाफट, नीतू, नैना, निकिता, नैना का भी पुराना है शायद, प्रतिभा, आशीष का सही है, प्रतिभा का सही है, आंचल, सारजा, मानसी का भी सही है, यासिका, वैशाली, और लोग कर दो फट से आंसर कर दो बेटा, तो हो जाएगा सबका। ठीक है बेटा, सबका सही है, पी महेश्वरी ए है ना, नैना नहीं, ठीक है ना, स्वाति, ठीक है, ए पी महेश्वरी बेटा। चलो अब सही जोड़ी में मैच करना है ना, पर फटाफट कर लो बेटा, अब 3-4 ही क्वेश्चन बच्चे हैं, कुछ ही क्वेश्चन बच्चे हैं, फटाफट। चलो जल्दी 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 जल्दी, अभी का आंसर था वो, ठीक है ना, हाँ तो सही हो गया फिर। चलो सही जोड़ी मैच करो बेटा। कृत्रिम वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली किसने दी थी, प्राकृतिक प्रणाली किसने दी थी। मानसी सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मानसी का भी सही है। ठीक है बेटा, सी सी है ना, सी है बेटा इसका आंसर, यहाँ पे गलत वो हो गया है ना, लेकिन सी है। ठीक है चलो अगला, अगुणित जीवन चक्र किसका होता है, द्विगुणित किसका होता है, द्विगुणित अगुणित किसका होता है, ये बताना है ना। चलो जल्दी से, अगुणित किसका होता है, द्विगुणित किसका होता है और द्विगुणित अगुणित किसका होता है। नीतू का आया है, नैना का आया है, प्रतिभा का सही नहीं है बेटा, सारजा, निकिता, कविता, गड़बड़ करता है,
बेटा अगुणित वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास है ना, द्विगुणित अनावृत्य बीजी आवृत्य बीजी का होता है ना, और उसके बाद द्विगुणित अगुणित ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का होता है ना। डी आंसर है बेटा, डी। चलो अगला, लाल शैवाल कौन है, कौन क्या है ये बताना है। लाल शैवाल कौन है, लीवरवर्ट कौन है, वॉकिंग फर्न कौन है, आवृत्य बीजी कौन है, मतलब कौन सा पौधा क्या है ये बताना है यहाँ पे। फटाफट करो, किसने किया है, निकिता ने किया है शायद, कविता त्रिवेणी प्रतिभा नहीं, अभी त्रिवेणी प्रतिभा और कविता नहीं किया है, नीतू। आंचल, निकिता, मानसी, मानसिका सही है बेटा, मानसिका सही है। आशीष, आशीष का गलत हो गया, स्वाति, प्रतिभा, प्रतिभा का सही है, सारजा, ठीक है बेटा, डी आंसर है ना, डी आंसर है, लाल सहवाल यहाँ पे, ठीक है, पॉलीसेफनिया, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो सब मैच कर रहे होता है ना, ठीक है। चलो ये फटाफट मिलाओ, इसमें बताना है कि कौन किस तरह का है, कौन किस तरह का यहाँ पे प्रजाति है, ठीक है, कौन किस तरह की प्रजाति है। यूथ्रेलिक्स कैसा है, वॉल्वॉक्स कैसा है, क्लेमाइडोमोनास कैसा है, किसका आंसर आया है यहाँ पे, सारजा, यासिका, कविता, यासिका, आशीष का पुराना है, नैना, निकिता, और भी लोग करो, त्रिवेणी, स्वाति, प्रतिभा का सही है, ठीक है, और मानसी का भी सही है, सारजा, आंचल, ठीक है, वैशाली, सारी लोगों का सही है बेटा, डी आंसर है, ठीक है, सारी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला, यहाँ पर है कि कौन सा किससे प्राप्त हो रहा है ना, किससे कौन सी चीज प्राप्त हो रही है, ये चीज बताना है। चलो फटाफट करो इसको भी, अगार अगार किससे होता है, कैरागिन किससे होता है, एल्जिन किससे होता है, ये अभी कुछ चीजें तो पहले भी आ गई थी, अभी नीतू का आया है, निकिता का आया है, वैशाली, ठीक है, बस इतनी लोग बाकी अटक गए। हाँ चल, ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर मैं बताऊँ या बता रहे हो, ठीक है, आशीष का सही है, प्रतिभा का सही है, स्वाति, बहुत बढ़िया, और भी लोग कर दो थोड़े से, स्वाति आ गया, ठीक है, सी है बेटा इसका, सी है ना, सही है। चलो अगला, अब यहाँ पे बताना है कौन क्या किसके साथ में मैच कर रहा है, कौन किसके साथ में मैच कर रहा है, जल्दी से, इसमें तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहा है, अंडाशय क्या बना रहा है, संयुग्मन और त्रिसंलयन से क्या हो चीज हो रही है ना, ठीक है, प्रतिभा, स्वाति, यासिका, कविता, निकिता, आंचल और त्रिवेणी, नैना, स्वाति, आशीष का सही है, मानसी का भी सही है, ठीक है ठीक है, सारे लोगों का सही है बेटा, ये भी बढ़िया, सारे लोगों का सही है, बी आंसर है, ठीक है। अगला, कौन क्या चीज है, किस 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 फैमिली, मतलब कौन किस वर्ग का है यहाँ पे, कौन है ना, बताओ फटाक से भी, क्लेमाइडोमोनास किस में आ रहा है, साइकस किस में आ रहा है, सिलेजिलेना किस में आ रहा है, स्पेगनम किस में आ रहा है, ये सब अभी पिछले इसमें रिपीट हुए है ना, ठीक है, नीतू का आ गया है, निकिता का आ गया, बेटा एक ही मिनट बचा है, फिर से हमको कनेक्ट करके वो करना पड़ेगा है ना, जस्ट एंड हो रही है, फिर से वो करो, जिन लोगों ने आंसर कर दिया एक बार फिर से आंसर करना, ठीक है, फिर से आंसर करना, कनेक्ट करो, तुरंत करो,